वेलकम बैक टू आर चैनल। बज रहे हैं सुबह के 11 और आज कुछ स्पेशल नहीं है, स्कूल भी नहीं है। इट्स अ संडे, नाइस लिटिल फैमिली टाइम डे। सो मम्मा इज शूटिंग एंड धीर वांटेड टू स्टार्ट द व्लॉग। एंड व्हाई डिड यू वांट टू स्टार्ट द व्लॉग धीर? आई डोंट नो, आई जस्ट टू फ्लॉन्ट हिज मेहंदी। सो धीर ने कहा मुझे अपनी मेहंदी फ्लॉन्ट करनी है बाय सेइंग हाय गाइस, और तूने ये तो बोला ही नहीं कि वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। ओह नो, आज है संडे, धीर आज फुल मस्ती मूड में है। बज रहे हैं 11, तो आज कुछ स्पेशल एजेंडा नहीं है। मम्मा का कोलैब है, लंच आ रहा है बाहर से होटल से, सो वी विल जस्ट स्पेंड फैमिली टाइम, वॉच मूवी, रिलैक्स। एंड पढ़ाई कौन करेगा? परी के एग्जाम्स चल रहे हैं और तेरे आने वाले हैं, सो नो मूवी टाइम, नो मस्ती टाइम, इट्स स्टडीइंग टाइम टुडे। चलो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द व्लॉग। हाय गाइस, सो बज हो गया है लंच टाइम, बजने वाले हैं 1:30 यानी कि 1:30, और सुबह से मैंने कुछ नहीं किया है, जस्ट हैड माय शावर एंड बस एक सैंडविच बनाया था मेरे लिए। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया, आई वाज जस्ट रिलैक्सिंग एंड जस्ट चिलिंग आउट। और टेंशन फ्री मैं इसलिए भी थी बिकॉज आज लंच हमारा एक होटल से आया है, दिस इज़ द लंच दैट हैज़ जस्ट अराइव्ड। और कहाँ से आया है एंड एवरीथिंग, क्या क्या आया है, ये सब मैं आपको बताती हूँ। सो दिस इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ माई इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन। शुरू करें? यू वॉन्ट टू गो? यू गो, बिग डील, एज इफ तुम कभी व्लॉग में दिखे नहीं हो। से हाय। ओके, चलो गाइज देखते हैं लंच में क्या क्या आया। मुझे तो पता है क्या आया है क्योंकि मेन्यू मैंने ही फाइनल किया है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या आया है, बट उससे पहले अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज शूट कर लेती हूँ। बच्चों आ जाओ। सो गाइज, ये पार्सल आया है और ये आया है रीजेंटा सेंट्रल होटल से, जिसका पहले नाम था डेक्कन प्लाजा ना विपुल। पहले इस होटल का नाम था डेक्कन प्लाजा और अब इट इज़ नोन एज रीजेंटा सेंट्रल विच इज़ इन रॉयपेटा। तो मैं पहले निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या आया है। मुझे तो पता है बिकॉज दे आस्क्ड मी टू सेलेक्ट द मेन्यू। ये बैग हटा लो, ये खाली हो गया। इसमें है सारी ब्रेड्स। गाइस, तो कल मेरे को एक चीज खानी थी, तो बिरयानी। अच्छा, देवसेन कोरिएंडर गार्निशिंग के लिए कोरिएंडर सेपरेटली, लेमन, ये लेमन की स्पेलिंग क्या है, लेमन, लेमन, बिरयानी गार्निश, ऑनियन फ्राई, स्प्रिंग। ओके, सो गाइस मैं आपको बताती हूँ, ये है अमृतसरी पनीर। खोल के दिखाऊं ऐसे क्या मजा आएगा, है ना, खोल के दिखाती हूँ गाइस। ये है खाना, ये है पनीर, अमृतसरी पनीर का स्टार्टर पनीर रोल। इस ये है स्प्रिंग रोल्स और इसके साथ आई है चटनी, एंड ये है मिंट एंड कोरिएंडर चटनी और ये है स्प्रिंग रोल्स के साथ चटनी। और मेन कोर्स में आई है दाल तड़का, भिंडी, दो प्याज़ा, बिकॉज हमने यहाँ पनीर मंगा लिया था, दैट इज़ स्टार्टर में पनीर था तो मैंने सब्जी पनीर की नहीं मंगाई। तो भिंडी, दो प्याज़ा, दाल तड़का एंड बिरयानी, और बिरयानी लुक्स क्वाइट टेम्प्टिंग। बिरयानी के साथ आया है रायता और फिर आई है कुलचा, ये है मसाला कुलचा, ये है तंदूरी रोटी एंड गुलाब जामुन। और या ये सब चीज़ें इन्होंने साइड में अलग से दी हैं, दैट इज़ गार्निश के लिए हरा धनिया, बिरयानी के लिए फ्राइड अनियंस एंड लेमन्स। सो ये है हमारा आज का खाना एंड माई चिल्ड्रन आर सुपर हंग्री। तो चलो गाइज, मिलते हैं लंच के बाद। बाय बाय। हाय, हेलो। धीर का है? हाय धीरू। हाँ धीरू, स्कूल जाने के लिए स्कूल बैग कौन भूल के गया? ममता मासी ने एक बार स्कूल से आते वक्त, स्कूल से अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी, स्कूल बैग स्कूल में ही छोड़ के चली गई।
बट तू तो स्कूल बैग, स्कूल जाने के लिए स्कूल बैग घर पे भूल के चला गया. हाउ स्मार्ट. फ्लावर्स प्लीज सेव मी. प्लीज सेव मी. इनसेम्स मुंह छुपा रहा है. ओके तुम दोनों के लिए फ्रिज में एक सरप्राइज है. व्हाट इज अ तुम सरप्राइज? दोनों का फेवरेट ड्रिंक कोल्ड योगा. कॉफी. ओह माय गॉड. तो गाइस कल के बाद ब्लॉग अभी कंटिन्यू कर रही हूँ. कल तो मेरा दिन इतना बेकार गया ना, मैं क्या बताऊँ आपको. बेकार नहीं है एक्चुअली, आई वोंट कॉल इट एज बेकार, बट या अ वेरी वेरी अनप्रोडक्टिव डे. बट आई वॉज एंजॉइंग डूइंग नथिंग. वेलापन जो कल मैंने किया है ना, आई लिटरली एंजॉयड दैट आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. सो आई वोंट कॉल इट एज अ बेकार डे बिकॉज आई वॉज हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे कि चलो आज मैंने जम के रिलैक्स किया. आई वॉज जस्ट चिलिंग आउट द होल डे. बट येस इट वॉज एन अनप्रोडक्टिव डे, अ वेरी वेरी अनप्रोडक्टिव डे जो मैंने रिसेंट टाइम में स्पेंड किया बिकॉज ऑफ लेट इवन माई संडेज हैव बीन वेरी बिजी एंड आई वॉज प्रोडक्टिव थ्रू आउट द डे. सो उसके कंपैरिजन में ये ऐसा था. सो बस अब आज ये ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी एंड काम निपटाने के बाद आज मुझे एक कोलैबोरेशन में जाना है. वेलुना इज स्टार्टिंग अ न्यू ट्रीटमेंट एंड दे आर इनॉग्रेटिंग टुडे ऑन द ओकेशन ऑफ देयर सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ दिस ब्रांच जहाँ पे मैं जाती हूँ. मुझे आज इन्वाइट किया गया है फॉर द लॉन्च विच इज़ हैपनिंग, तो मैं वहाँ जाऊँगी. आई विल गिव यू गाइज अ स्नीक पीक ऑफ व्हाट्स हैपनिंग एंड एवरीथिंग. सो अभी तो पहले बच्चे आ गए हैं तो लंच वगैरह निपटाते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे. हे गाइस तो मैं तैयार हो चुकी हूँ. बज गए हैं 4:30 या 4:30 हो चुके हैं. मैंने कैब बुक कर दी है टू गो टू वेलोना, तो बस कैब के आते ही मैं निकल जाऊँगी. आप देख सकते हैं मैंने बैग भी टांग रखा है. आई एम ऑल रेडी. बस कैब के आते ही मैं नीचे उतर जाऊँगी टू गो. बच्चे घर पे रहेंगे. आई एम गोइंग अलोन. यूजुअली मैं कभी अकेली गई नहीं हूँ. आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट और सेकेंड टाइम आई ईदर गो विद विपुल और विद एनी ऑफ माई चिल्ड्रन, एनी ऑफ माई किड. तो आज पहली बार मैं ऐसे अकेली जा रही हूँ. मे बी फर्स्ट और सेकेंड टाइम आई थिंक. देख कौन आया है. तो बस गाइज मैं निकलती हूँ और वहाँ पर क्या होने वाला है, क्या लॉन्च है और क्या ट्रीटमेंट वो लॉन्च कर रहे हैं, ये सब मैं जाके बताऊँगी. बहुत ही डिफरेंट सा एक ट्रीटमेंट लॉन्च कर रहे हैं विच इज़ द फर्स्ट टाइम इन चेन्नई. ऐसा ट्रीटमेंट चेन्नई में पहली बार कोई लॉन्च कर रहा है एंड दैट इज़ वेलोना. बहुत ही डिफरेंट है, मुझे तो सुन के ही अजीब लगा, बट या दैट इज़ व्हाट इट इज़. सो मैं जाके बताऊंगी कि कौन सा ट्रीटमेंट है एंड ऑल दैट, क्या सेलिब्रेशंस है लॉन्च के टाइम पे, क्या हो रहा है. स्नीक पीक दूंगी आप सबको. सो स्टे ट्यून एंड वहां मिलती हूँ, वेलोना में मिलती हूँ आपसे. We keep researching about what's new and what can make transform, you know, people into a lot of self-care and other things. So this is one of them we have launched, which is IV drip, which is first time in Chennai, a big way we're launching. So we all know beauty, it's not just on its own. It needs a lot of time, a lot of patience, a lot of energy. But at the same time, never think it's an expensive. It is a very good investment for you. So what is IV exactly? If you have a treatment ready to be, it needs a lot of effort to know. So IV and rather, it is directly through your bloodstream, which is which will give you 100% absorption. And this is going to be a quick, fixed treatment for your glow, for your anti-aging and for your wellness. And we have many, many more to come in future. This is something, new treatments we are launching, and I'm sure it's going to have a great impact in everybody's skin, hair and their health. Thank you. So that is Omega and health. Whether it is permanent or nothing is going to be like very permanent. Yes. If it is giving you any sort of finance skin brightening and all that, permanent type of and stop and yes. But duration in our monthly once. Doctor wants you once. तो ये थे ये तीन आईवी ड्रिप्स विच आर लॉन्च टुडे एट वेलोना. एंड इफ़ यू थिंक यहाँ पे मैं ड्रिप्स ले रही हूँ देन जस्ट वेट एंड वॉच गाइस. मुझे इन्फ्यूज़ तो किया जाएगा बट उस पर कोई नीडल नहीं है. इज़ जस्ट अ फेक थिंग दैट इज़ हैपनिंग एंड वी वर शूटिंग एंड प्लस द मीडिया पीपल वर ऑल्सो देयर, दे वॉन्टेड पिक्चर्स. सो वो सारा काम यहाँ चल रहा था, रील शूट हो रही थी, मीडिया वाले पिक्चर्स ले रहे थे एंड ऑल दैट वर्क वॉज हैपनिंग.
ओवरऑल बड़ा मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया. एंड दे वॉन्ट मी टू कम नेक्स्ट वीक टू टेक अ ट्रायल, बट मुझे डर लगता है. मैंने फिलहाल तो मना किया है, बट फ्यूचर का बाद में देखेंगे. हाय गाइस, सो लॉन्च इवेंट ख़त्म हो चुका है. बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया. मेड सम न्यू फ्रेंड्स ऑल्सो. सो बस अब हम निकल गए हैं. विपुल आ गए थे मुझे पिक करने बिकॉज फ्री हो गए थे और बज रहे हैं 7. तो चलो अब घर जाके मिलते हैं. बहुत भूख लगी है. दो देव गिवन स्नैक्स, उन्होंने इंडिविजुअल पैक में दे दिया था स्नैक, बट वहाँ पे तो मैंने सिर्फ कॉफ़ी पी. स्नैक में ले आई, आई विल हैव नाउ. सो घर जाके मिलते हैं. तो घर आ गई गाइस, घर आए हुए कुछ टाइम हो गया है. बस आई थॉट आई विल एंड दिस व्लॉग क्योंकि अब करनी है पेट पूजा. बहुत भूख लगी है, बच्चे भी भूखे हैं. इडली और चटनी और मलगा पुड़ी के साथ खा रहे हैं, सिंपल, नो सांबर, नथिंग, क्योंकि टाइम नहीं है. सो बस अब हम खाना खाते हैं. दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग. आई होप यू लाइक्ड वॉचिंग इट, एंड इफ सो प्लीज कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स. मैटर लैडल इज माई अकाउंट. और जब मुझे सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले गाइज, बिकॉज ओनली देन यूट्यूब विल नोटिफाई यू फॉर ऑल माई अपकमिंग वीडियोज. सो या स्टे ट्यून टिल द नेक्स्ट व्लॉग. सी यू अगेन ऑन अ न्यू डे विद अ न्यू व्लॉग. अंटिल देन, टेक केयर, बाय बाय.